नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं तीन ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जिन्हें दोस्तों आप इस महीने कह सकते हो 5G नेटवर्क के साथ, और दोस्तों जिन तीनों फ़ोनों को आप 20,000 रुपये के अंदर कह सकते हो। जी हां दोस्तों, आज मैं आपके लिए तीन ऐसे स्मार्टफोन लेकर आया हूं जो दोस्तों 20,000 रुपये के अंदर आपको मिल जाएंगे 5G नेटवर्क के साथ। तो दोस्तों, जिन लोगों को एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो 5G नेटवर्क के साथ आता हो, जिन लोगों को ऐसा फ़ोन चाहिए जो लोग दोस्तों 4-5 साल तक चलाने वाले हैं अपने फ़ोन को, 3-4 साल तक, तो दोस्तों वो लोग इन तीनों फ़ोनों को देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 20,000 रुपये के अंदर अगर आप 4G नेटवर्क का फ़ोन देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन देखने को मिल जाते हैं हर कंपनी के अंदर। बट दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आज की वीडियो में 5G नेटवर्क की। जी हाँ दोस्तों, 5G नेटवर्क जो है इंडिया में कई फ़ोन हैं जो 5G नेटवर्क के साथ इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। बट दोस्तों 20,000 रुपये के अंदर आपको तीन ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप बिना टेंशन ही ले सकते हो। दोस्तों जिन लोगों को 5G फोन चाहिए, भले ही 5G नेटवर्क इंडिया में नहीं आए हैं, बट जिन लोगों को 5G फोन चाहिए वो आप वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जैसे दोस्तों आपको अच्छा आइडिया मिल सके कि आपको कौन सा फ़ोन इस महीने लेना चाहिए 5G नेटवर्क के साथ 20,000 रुपये के अंदर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरी हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको तीनों स्मार्टफोन के बारे में एक एक करके बताता हूँ। दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है हमारा रियलमी की तरफ से रियलमी नारजो 30 प्रो। जी हाँ दोस्तों, इसका जो बेस वेरिएंट है 6GB 64GB वाला, ये आपको मिल जाएगा 17,000 रुपये के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इसमें दोस्तों आपको मिलता है डायमेंसिटी का 800U प्रोसेसर। दोस्तों ये एक 5G नेटवर्क के साथ आता है और दोस्तों इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, काफ़ी बड़ी बैटरी है, और साथ दोस्तों 30 वॉट का फास्ट चार्ज देखने को मिलता है, जिससे आप दोस्तों आप इस फ़ोन को काफ़ी जल्दी फास्ट चार्ज कर सकते हो। दोस्तों बैटरी के मामले में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, और दोस्तों इसमें आपको डुअल 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों इसमें आप दो सिम 5G नेटवर्क के साथ चला सकते हो। दोस्तों अगर इस फोन डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें 6.5 इंच की एक फुल HD डिस्प्ले मिलती है, जो कि दोस्तों एक IP डिस्प्ले है, और दोस्तों इसके अंदर 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। दोस्तों इस फोन में आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात करें इस फोन के कैमरा की, तो दोस्तों इसमें आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है रियर में, जिसमें दोस्तों मेन कैमरा है वो 48MP का। इसके सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो दोस्तों 16MP का। दोस्तों हर मामले में फ़ोन काफ़ी अच्छा है, और दोस्तों 17,000 रुपये में आपको 5G नेटवर्क के साथ ये फ़ोन देखने को मिलता है इंडिया के अंदर रियलमी की तरफ से। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे नंबर फ़ोन की, दोस्तों जो है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों सैमसंग का M42 जो दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुआ है इंडिया के अंदर, जी दोस्तों आपको मिल जाएगा अमेजन के ऊपर 22,000 रुपये में अंदर। दोस्तों 22,000 रुपये में ये फ़ोन मिलता है, लेकिन इसके ऊपर एक ऑफर चल रही है दोस्तों, जिसमें आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है अगर आप इसे ओपन मार्केट से भी खरीदते हो। वैसे दोस्तों अभी लॉकडाउन चल रहा है, बट इसे अगर आप अपनी मार्केट से खरीदोगे तो ये फ़ोन आपको 20,000 से भी कम कीमत में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इसके फीचर की बात की जाए तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन का 750G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो दोस्तों एक 5G प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन का 5G प्रोसेसर है। दोस्तों इस प्रोसेसर में हमें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिलते हैं। अगर इस प्रोसेसर की बात की जाए तो ये प्रोसेसर हमें इससे पहले कई स्मार्टफोन देखने को मिला है, बट दोस्तों उन फ़ोन की प्राइस है वो 25-30,000 रुपये के अंदर है, बट ये फ़ोन आपको 20,000 रुपये में मिल जाता है। दोस्तों ये प्रोसेसर आपको 750G आपको 20,000 रुपये मिल जाता है सैमसंग की तरफ से। और दोस्तों इसके कैमरे की बात की जाए तो इसके रियर में हमें दोस्तों क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, जिसका दोस्तों मेन कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का। और दोस्तों इसका फ्रंट कैमरा हमें मिलता है 20MP का। तो सैमसंग के कैमरे की दोस्तों आपको पता ही है कि सैमसंग के जो कैमरे होते हैं दोस्तों वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और दोस्तों इसमें बस एक ही एक गलत चीज़ दी गई है, वो इसकी डिस्प्ले। इसकी डिस्प्ले दोस्तों सुपर एमोलेड तो है ही, बट इसका जो रेजोल्यूशन है वो दोस्तों HD+। ये फ़ोन आपको फुल HD नहीं मिलता, ये सिर्फ आपको HD+ मिलता है। इसकी डिस्प्ले दोस्तों वो है 6.6 इंच की, बट सिर्फ HD+ के साथ आती है, फुल HD नहीं है, बट दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। तो दोस्तों आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो डिस्प्ले है वो फुल HD नहीं है। दोस्तों इसकी बैटरी की बात की जाए तो दोस्तों इसमें हमें मिलती है 5000mAh की एक बड़ी बैटरी 15W के फास्ट चार्जर के साथ। दोस्तों 15W का फास्ट चार्जर सैमसंग का आपको इसके साथ मिलता है, और उसका इसका जो बेस्ट वेरियंट है वो है 6GB 128GB वाला, जो आपको मिल जाएगा 20,000 रुपये के अंदर अमेजन के ऊपर। और दोस्तों इसमें आपको एक और चीज़ अच्छी देखने को मिलती है, वो है दोस्तों इसकी नॉक सिक्योरिटी, जो दोस्तों इससे पहले आपको सैमसंग के ए सीरीज और एस सीरीज में देखने को मिलती है, वो आपको अब एम सीरीज के इस M42 में देखने को मिलेगी। जो दोस्तों नॉक सिक्योरिटी होती है उसमें दोस्तों हमें काफ़ी सारी सिक्योरिटी देखने को मिलती है, आपको जो डाटा होता है वो एकदम सेफ रहता है, बिल्कुल भी दोस्तों किसी भी तरह की उसमें दिक्कत नहीं आती।
दोस्तों जिस सेकंड नंबर का फ़ोन है सैमसंग की तरफ से, जिन लोगों को सैमसंग का डिवाइस चाहिए वो लोग इस फ़ोन को ले सकते हो 5G नेटवर्क के साथ। बट एक बात का ध्यान रखना है कि ये HD प्लस डिस्प्ले के साथ आता है। और दोस्तों जितने भी फ़ोन मैं आपको बता रहा हूँ लिस्ट में, उन सभी का खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट जाके वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस लिस्ट के आखिरी फ़ोन की, जो दोस्तों रियलमी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रियलमी के X7 की। दोस्तों इसका जो बेस वेरिएंट है 6GB 128GB वाला, वो आपको मिल जाएगा 20,000 रुपये का। दोस्तों इसके अंदर हमें क्या नया देखने मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस फ़ोन में मिलता है डायमेंसिटी का 800U प्रोसेसर, जो दोस्तों हमें रियलमी के नाजो 30 Pro में देखने मिलता है। सेम भाई प्रोसेसर हमें इस फोन में देखने मिलता है, बट दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले है वो सुपर AMOLED डिस्प्ले, 6.4 इंच की सुपर AMOLED डिस्प्ले फुल HD रेजोल्यूशन के साथ इस फोन में देखने मिलती है। दोस्तों इस फोन की बैटरी की बात की जाए तो वो मिलती है हमें 4310 mAh की। बट दोस्तों अच्छी बात यह है कि इसके साथ आपको मिल जाएगा 50W का एक फास्ट चार्जर, जिससे दोस्तों इस फोन को आप काफ़ी ज़्यादा काफ़ी जल्दी फास्ट चार्ज कर सकते हो। तो आपको बैटरी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि सुपर AMOLED डिस्प्ले जो होती है वो बैटरी काफ़ी कम यूज करती है, काफ़ी कम बैटरी उसमें लगती है। तो दोस्तों इसमें आपको एक दिन का बैटरी का ऑप्शन मिल जाएगा। प्लस दोस्तों इसका जो चार्जर है वो दोस्तों आपको आपके इस फोन को काफ़ी जल्दी फास्ट चार्ज कर देगा। अब दोस्तों इसके कैमरे की बात की जाए तो इसमें मिलता है हमें ट्रिपल कैमरे का सेटअप। इसका जो मेन कैमरा रियर का वो 64 MP का, और दोस्तों इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 MP का। दोस्तों कैमरा दोस्तों इसको काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों इसके अंदर हमें फिंगरप्रिंट स्कैन दिया गया है डिस्प्ले के अंदर, जैसे दोस्तों हमें सैमसंग के स्मार्टफोन में देखने मिलता है, सेम वैसा ही हमें इसमें मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। और ये भी फ़ोन दोस्तों डुअल 5G के साथ आता है, इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो 5G नेटवर्क के ऊपर। दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये रियलमी की तरफ से, जो दोस्तों पहले नंबर पर आता मेरी तरफ से। दोस्तों यही वो 3 फ़ोन हैं जिन्हें मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, जो आपको 20,000 रुपये के अंदर देखने मिल जाएंगे 5G नेटवर्क के साथ इस मई में 2021 में। बट दोस्तों अगर आपको 5G से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो आप 1 से 1.5 साल चला सको, तो आपको इनकी जगह 4G फ़ोन लेने चाहिए। क्योंकि दोस्तों 1-1.5 साल तक अभी इंडिया में 5G नहीं आने वाला, और 4G नेटवर्क के साथ अगर आप फ़ोन लोगे 20,000 रुपये के अंदर, तो उसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो फ़ोन है इनमें हमें ज़्यादा कुछ देखने को मिलता, बट ये 5G नेटवर्क के साथ आते हैं, इसलिए दोस्तों ये 20,000 रुपये के अंदर मैंने आपको बताए हैं। बट आपको दोस्तों 5G और 4G कोई मतलब नहीं है, तो आप इनकी जगह कोई और फ़ोन देख सकते हो जो 4G नेटवर्क के साथ आते हैं, और 20,000 रुपये में दोस्तों हमें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इन तीनों फ़ोनों को खरीदने का लिंक आपको नीचे बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बार बार लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।